नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। आज है 2 तारीख, सुबह हो चुकी है और हमारी कैंपर वैन आज निकलने वाली है अपने पहले ऑफिशियल टूर पे। सो देखिए, दूसरे दिन तक, कल तो हमने यार कुछ भी शूट नहीं किया, कल बस इसको जमाने में पूरी कुशनिंग वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया हो चुकी है। ये देखिए सब हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी यहाँ पर भी अभी लगनी है एक पट्टी, तो वो अब मैं लगाऊंगा धीरे धीरे। सब चीजें ऑलमोस्ट रेडी है, यहाँ हमारे स्टोरेज में सामान रखा जा रहा है, इसको हम नीचे कर देंगे सामान रखने के बाद। ये है बच्चों सुबह सुबह, और बस चलिए आज की तैयारी करते हैं और शुरू करते हैं आज का बेहद खूबसूरत दिन, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं आगरा। आगरा बाबा, देखो तुम वहां से ना रजाई ले आओ साथ में। और अभी कैसे बोल रही थी, सात्विक? सात्विक नहीं, अवनी, जो कुछ काम नहीं करती है, ठीक है? और लोगों को लगता होगा अवनी बहुत काम करती है, कुछ नहीं काम करती है ये। क्या पूछो, आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही। अब जाओ न्यूज़पेपर ले आओ। देखा, आप कितने प्यार से बोल रही हो मम्मा। तो चलिए मित्रों, हो चुकी है 2 तारीख की रात, मतलब सुबह सुबह हम उठे थे, सुबह सुबह से हमने सब सामान जमाना शुरू किया और फिलहाल हम हो चुके हैं रेडी। तो दिखाते हैं कि हमारी कैंपर वैन रेडी होने के बाद कैसी बन चुकी है। सो अभी देखिए सामने एकदम बेडिंग वेडिंग सब सेट हो चुका है, लाइट्स वाइट्स तो हम खैर पहले बता ही चुके हैं, फिट हो चुकी हैं। सो एवरीथिंग इज सेट, तो कैंपिंग के लिए अब हम एकदम तैयार हैं और सब कुछ लग गया। देखिए इधर सिस्टम लग गया, इधर हमारे बिजली के कनेक्शंस सब कुछ लग गए, इधर आप ये देख रहे हैं हमारी साउंड बार वगैरह, मतलब एवरीथिंग जो जो हम कर सकते थे वो अभी हमने पिछले 11-12 दिनों में इस कैंपर वैन में तैयार करने की कोशिश करी। तो बस चलिए चलते हैं यहाँ से, अभी निकल रहे हैं आगरा के लिए, पूरा ओवरनाइट ड्राइव होने वाला है। सो मतलब थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि मैं उतना नाइट ड्राइविंग प्रेफर नहीं करता हूँ, पर मजबूरी है, कल हमें पहुँचना है आगरा, सो आज गाड़ी चलानी ही होगी। सो ओवरनाइट ड्राइव करके आगरा पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के अपडेट करते हैं कि हमने क्या किया। तो अभी दादी समोसे खा रही हैं, दादी अभी जो पापा समोसे लाए थे वो खा रही हैं, बच चुके हैं 12 और हम पहुंच चुके हैं जयपुर। बहुत ज्यादा लेट हो गया यार, और रात्रि भोजन कर रहे हैं गट्टे की सब्जी और बैगन का भरता प्लस रोटी, जो कि बहन जी ने बना के दी, उनको कुछ सामान देना था हमें, तो भोजन भी आज स्पॉन्सर्ड है। इस गाड़ी की पेंट्री तो हम कब यूज करेंगे ये तो आपको आगे चल के बताएंगे, पर फिलहाल गट्टे की सब्जी का आनंद ले रहे हैं, वाह। सो एनीवेज, इस प्रकार से हम अजमेर से निकल पड़े आगरा के लिए, और वैसे मैं पर्सनली नाइट ड्राइव बहुत ज़्यादा प्रेफर करता नहीं, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था, क्योंकि 3 तारीख को विवाह था तो उसमें हमें शामिल होने जाना ही था। और दिन भर गाड़ी को जमाते जमाते इतना ज़्यादा समय लग चुका था कि मतलब कोई विकल्प नहीं बचा था। सो बस चलते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, और रास्ते में हमने रुक कर लिया चाय का आनंद। तो जी फिलहाल हमने सिकंदरा टोल पार कर लिया और बजे हैं रात के 2:30 और हम पी रहे हैं एकदम शानदार कॉफ़ी, वो भी कुल्हड़ की। आप कॉफ़ी में अदरक डालते हैं? डलवा लेता है कोई। अच्छा, कोई कोई डलवा लेता है। तो अभी वहाँ सामने हमने अपनी कैंपर वैन पार्क करी है और इधर आनंद लेने वाले हैं शानदार कॉफ़ी का। वाह वाह, थैंक यू, ये कॉफ़ी जाएगी।
मैडम के पास। क्या हुआ, उतरने का मन नहीं कर रहा? नहीं, ठंडा एकदम मस्त। चलिए जी, हम भी पीते हैं कॉफी। यहाँ आओ ना, आ गया आग। हमें मिल गई कैंप फायर। आ जाइए, देखिए जी इतना बढ़िया। रात को 2:30 बजे कैंप फायर मिल जाए और क्या चाहिए। थोड़ी देर बैठेंगे और यहाँ पर कैंप फायर का आनंद लेंगे। हम तो खूब कैंपिंग करते ही हैं, पर ऐसी कैंप फायर का आनंद भी अलग ही होता है। तो मित्रों, अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 3:30 से ज़्यादा, और कोहरा देखिए क्या ज़बरदस्त हो रहा है, एकदम शानदार। मतलब विजिबिलिटी बहुत ही कम है। ये देखिए, बस हमारी गाड़ी में कैंपर, ओ रे बाप रे, बिल्कुल ही ज़ीरो विजिबिलिटी है। वो तो चलिए, हमारी कैंपर में फॉग लाइट है, इसलिए थोड़ा सा ठीक ठाक मामला है। बट मजा आ रहा है, मतलब सारी नींद जो थी वो सब उड़ा दी इस कोहरे ने। वाह। सो अभी हम आगरा से मात्र 20 किलोमीटर दूर हैं और यार विजिबिलिटी एकदम शून्य सी हो गई है। मतलब ये देखिए आप, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और रोड भी अब 4 लेन खत्म हो चुकी है, सिंगल लेन हो गई है। सो बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है टाइम्स पर। बहुत ही स्लो चल रहे हैं, मतलब अभी तो एकदम धीरे धीरे कुछ नहीं दिख रहा है यार। सो आगरा पहुंचते तो सुबह ही हो गई और उसके बाद आ रही थी ज़बरदस्त नींद। तो सोए और सोने के बाद जब उठे तो बस जैसे घर में डेली रूटीन शुरू होता है, वैसे यहाँ पर भी हमारा डेली रूटीन शुरू हो गया। तो चलिए मित्रों, हमारी सुबह हो चुकी है आगरा में। रात पहुंचते बहुत लेट हो गए थे, मतलब सुबह पहुँचे लगभग 6:30 बजे, आपको दिखाया ही। और बस अब उठेंगे, आज तो शादी है घर में, तो तैयारियाँ, नहाना धोना और बस इंजॉयमेंट। एक जगह हमने घर के पास अपनी कैंपर वैन को पार्क कर दिया है और ये थोड़ा सा कंफर्ट, देखिए एडिड कंफर्ट होता है कि जब आप किसी अपने के घर भी जाते हैं और इस प्रकार का माहौल होता है, सो आपके पास अपना एक सेपरेट प्राइवेट कंपार्टमेंट है, रूम है, जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को नियोजित कर सकते हैं। तो चलिए फिर जुड़े रहिए और आज जो भी होगा इस व्लॉग में अपलोड करेंगे। सो देखिए भाई, कहीं भी जाओ तो घर की सफाई तो करनी ही पड़ती है। सो हमारे घर की भी सफाई शुरू हो चुकी है और बस वही है कि घर आपके साथ रहता है तो वो सब चीज़ें होती ही हैं जो घर में होती हैं। इन कपड़ों को ना नीचे मत गिरा लेना, अगर गिरा है तो फिर खराब हो जाएगा। सो चलिए जी, बस विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मैडम हो चुकी हैं रेडी, दिखा दीजिए। नहीं ऐसे दिखाओ, सर भी रेडी हो चुके हैं, सर भी रेडी हो चुके हैं, मैडम भी रेडी हो चुकी हैं। तो बस इस प्रकार से तैयार हो हवा के हम निकल गए विवाह में शामिल होने के लिए। और फिर तो 3-4 दिन कैसे निकले यार, पता ही नहीं चला। अब दिन नज़दीक आ गए थे हमारी एनुअल ओवरलैंडिंग मीट के। सो 9 तारीख सुबह से हमें अब तैयारियां करनी थी आगे बढ़ने की। तो क्या क्या तैयारियां की हमने, खुद देखिए। सो अभी क्या हुआ था, जब हम अजमेर से निकले थे तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए सब चीज़ों को एज इट इज़ हमने भर दिया था। अभी बस एक एक करके सब चीज़ों को निकाल रहे हैं और व्यवस्थित वापस ये जो पीछे की 2 शेल्फ है उसमें रखेंगे। तो ये है देखिए हमारी गाड़ी के साइड पैनल्स, जहाँ पर मतलब अलग अलग स्पेस को मुझे लगता है अलग अलग चीज़ों के लिए मैनेज करना चाहिए। तो अभी अंदर ला के दिखाएंगे तो मुझे लग रहा है दिस स्पेस इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट फॉर टूल्स। सो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ टूल्स रखे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है हमारा जो टूल बॉक्स है, जैक है वगैरह वगैरह, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही प्रॉपरली आ जाएगा। सो बस इसी तरीके से करते हैं, एक बार मैनेजमेंट बिठाते हैं और हर चीज़ की एक सुनिश्चित व्यवस्था हो, सुव्यवस्थित स्थान हो, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। सो ये है देखिए हमारी ग्रॉसरीज जो हम इस ट्रिप के लिए लेकर आए थे।
सो बस इनको भी मैनेज करना है, हर छोटी चीज को बस गाड़ी में व्यवस्थित स्थान पे लग जाए। अभी तो ये सब मतलब एक मेस्ड अप फॉर्म में है, और व्यवस्थित हो जाएंगी तो इन चीज़ों को निकालने में, नियोजित करने में, बनाने में बहुत ही सुविधा होती है। ये आप आगे जब हम इस ट्रिप पे जा रहे हैं तो देख ही पाएंगे। चलिए तो मैडम इसको अभी मैनेज करेंगे। हमारा इन्वर्टर ल्यूमिनस का NXG 1100 जो हम अपनी कैंपर वैन में फिट करने वाले हैं। ये एक सोलर इन्वर्टर है और 1100 VA का ये इन्वर्टर है। सो ऑलमोस्ट 880 वॉट तक की चीज़ों को ये चला सकता है। बहुत इफेक्टिव है। पिछली कैंपर वैन में भी यही लगा हुआ था, सेम मॉडल लगा हुआ था। सो उसी के आधार पे हमने इस बार भी ये सेम लिया। ये जो स्पेस है यहाँ पर हमने सोचा है कि हम इसको रखेंगे। तो देखिए वापस यहाँ हम करने वाले इस जगह पर हमारे जितने पाइप्स हैं और वायर्स हैं उनको एकोमोडेट करेंगे, और इस जगह पर हमारी बैटरीज और इन्वर्टर, इन चीज़ों को हम फिट करने वाले हैं। सो अभी बज चुके हैं शाम के 4:45 और आप सोच रहे होंगे इतना समय कैसे हो गया, सुबह से शाम तक हमने क्या किया। एक्चुअली मुझे जाना पड़ा बाजार और ये सब सामान लाना था। ये एक्चुअली बहुत दूर दूर मिला, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार थोड़ा सा नज़दीक लाएंगे कैमरा। तो ये है देखिए बैटरी का आइसोलेशन स्विच। सो ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है। मुझे ये पड़ा लगभग 680 रुपये का। सो एक ये लाना था, दो लाने थे ये, और ये बहुत ज़रूरी थे इस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। सो ये लाए और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो अब हमें इसमें पूर्ण करनी है। सो अभी तो ये इस स्थिति में है, तो बस काम शुरू करते हैं और लगाते हैं आज अपना इन्वर्टर। सो अभी हमने क्या किया है कि ये हमारा मेन वायर ऊपर जो जा रहा है मेन वायरिंग का, सो ये इस नॉब में लगा हुआ था, इससे हमने इसको निकाल लिया है। और ये हमने एक ट्रिपल चेंज ओवर MCB लिया। देखिए इस प्रकार की आएगी, इसमें तीन चेंज ओवर है, एक टॉप, एक सेंटर और एक डाउन। सो अभी इसमें यहाँ पर हम दो वायर देने वाले हैं जो हमारा मेन लाइन आउटपुट जाने वाला है, और नीचे जो दो इनपुट हैं इसमें वो होने वाले हैं, एक तो इन्वर्टर का और एक एक्सटर्नल वायरिंग का। सो जब एक्सटर्नल पावर हम ले रहे हैं तो इसको ए मतलब मोड ए पे डाल देंगे, और जब हम इन्वर्टर से ले रहे हैं तो मोड बी पे डाल देंगे। तो इस प्रकार इस वाले सिस्टम को हम अपनी कैंपर वैन मैंने मतलब बहुत ही ईजी मैकेनिज़म है, बहुत ही आसानी से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। ये जो MCB है ये आती है लगभग 450 रुपए की लगभग आएगी। सो बहुत ही पर यूजफुल बहुत है ये। हम जो यूज़ कर रहे हैं ये यूज़ कर रहे हैं सेल्फ स्क्रू, तो बहुत ही आसानी से ये लोहे में लग जाता है। लोहे में, लकड़ी में, मतलब किसी में भी अगर आपको बिना ड्रिल किए कोई चीज़ लगानी है देन यू कैन यूज़ दीज स्क्रूज, और बस आप इनको रखिए और ये आपके लोहे के अंदर। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये होल्डर लग गया। वैसे आपको ड्रिल करना होता, फिर नट बोल्ट लगाने होते, सो एट टाइम्स ये बहुत काम करते हैं। ये है हमारी MCB, इसको यहाँ पर फिट कर देंगे और नीचे से अब इसमें दो इनपुट दे देंगे। सो फाइनली काफी हद तक काम निपटता जा रहा है। ये हम अभी लैंप फिट कर रहे हैं। बस हर छोटे काम में हर समय तो पर्याप्त लगता है। फाइनली हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। एक बार दिखाता हूँ कनेक्शंस हमने कैसे किए हैं।
यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे हैं कट ऑफ स्विच नंबर 1, कट ऑफ स्विच नंबर 2, कट ऑफ स्विच नंबर 3। अब आपको लग रहा होगा यार ये तीन तीन कट ऑफ स्विच किस लिए हैं। देखिए ये वाला जो कट ऑफ स्विच है ये है हमारे इन्वर्टर से जो करंट जा रहा है, मतलब इन्वर्टर से बैटरी से जो इन्वर्टर में आ रहा है उसको कट ऑफ करने के लिए। ये इसलिए लगाया है क्योंकि इन्वर्टर ऑफ करने के बाद भी ये बैटरी को ड्रेन करता रहता है अगर आप इसको कट ऑफ नहीं करेंगे तो। कट ऑफ कर देंगे तो उसके बाद ये ड्रेन करना बंद कर देगा। कट ऑफ स्विच नंबर मतलब आइसोलेटर नंबर 2, ये आइसोलेटर नंबर 2 है हमारी ये वाली जो बैटरी है इसको डिसकनेक्ट करने के लिए। मतलब जब अल्टरनेटर इसको चार्ज करेगा, मतलब अल्टरनेटर जो है वो बैटरीज को चार्ज करेगा तो हम चाहते हैं कि वो क्रमबद्ध तरीके से चार्ज करे। तो अब ये आइसोलेटर स्विच लगाने के बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम किस बैटरी को अपने अल्टरनेटर से चार्ज करना चाहते हैं। देखिए ये मैंने विकल्प खोजा है, मतलब खुद ही सोचा मैंने कि कैसे हो सकता है, अगर हम डीसी टू डीसी चार्जर यूज़ ना करें तो उसके अलावा भी कोई विकल्प हो सकता है क्या कि इसी अल्टरनेटर से हम मल्टीपल बैटरीज चार्ज कर सकें। सो आई होप दिस विल वर्क। भाई एट अ टाइम हम एक ही बैटरी का लोड डालेंगे अल्टरनेटर के ऊपर, जब वो उसको 100% चार्ज कर चुका होगा तो उस बैटरी को कट ऑफ कर देंगे और सेकेंड बैटरी उस पर डाल देंगे, मतलब चार्जिंग पे डाल देंगे। सो फाइनली सारे करेक्शंस हो चुके हैं, अब हम अपने स्विचेस को ऑन करने जा रहे हैं। आई होप एवरीथिंग विल वर्क फाइन। सो सबसे पहले तो इस बैटरी का स्विच ऑन देते हैं एंड हियर वी गो। सो हमारा इन्वर्टर अभी बता रहा है इको मोड, इसको ऑन करते हैं जी। बैटरी ऑन। सो हमारा इन्वर्टर हो चुका है ऑन। सात्विक मम्मा को बोलिएगा अल्टरनेटिव करंट की लाइन ऑन करेंगी। सो अब हमें करनी है अपनी एसी लाइन ऑन जो जा रही है ऊपर। एक बार मम्मा को बोलना कि ऑन करेंगी लाइन। सो देखते हैं एक बार, अंदर चलते हैं। चलिए ये देखिए कितना सारा फैला रहा अभी तक फैला हुआ है। अंदर चल के अल्टरनेटिव करंट के कुछ डिवाइसेस ऑन करते हैं। आ गए, ये देखिए जी हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है, मतलब हमारे कैंपर वैन में जो ये हमारा फैन ऑन हो गया। सो एवरीथिंग इज वर्किंग वेल, सारे हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं और बस थोड़ा सा समय लगा चीजें ढूंढने में, थोड़ा सा समय लगा बट एट लास्ट वी डिड इट ऑन अवर ओन। आइए सर आइए। तो हमसे मिलने आए हैं हमारे एक सब्सक्राइबर जो आगरे से ही है। आप हाँ, नाम राशि। क्या बात है, नमस्कार माताजी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा संयोग रहा। और कल इत्तेफाक नहीं हुई अपनी मुलाकात? कल दिन में ही मम्मी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी जी। इस बार अमरनाथ जी जाएंगे तो हम कैंपर वैन किराए पे ले लेंगे। अच्छा, मतलब ये उनको बोला था हमने बनवाने, अपने मूड में ही था जी जी, जी। उनको नहीं बताया कि हम अपना बनवाना चाह रहे हैं। पापा ने 5-7 दिन पहले आपकी कोई वीडियो देखी थी, उसमें पता था, उसमें बताया था कि आप आगरा आ रहे हो। अरे वाह, तो एकदम सडनली कल संजय प्लेस में एकदम मुलाकात हुई। हेलो, जरा पापा को वीडियो कॉल कर ले भाई, वो तो मतलब मैं कहती हूँ भाई इस वीडियो को कितनी बार देखोगे, घर में ये होता है। अरे एक वीडियो को इतनी बार देखते आने के बाद उनका जो टाइम पास है जी। एक आपका हाँ। एक वो दिल्ली वाले भैया हैं जो फ्रीलांसर का काम करते हैं पतले से, उनकी रेड कलर की कैंपर वैन है, वो ही पुरानी कैंपर। अच्छा, ध्रुव 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 फर्स्ट इंडियन कैंपर। हाँ, फर्स्ट इंडियन कैंपर। हाँ, मैटाडोर, मैटाडोर, क्या बात है। ध्रुव भाई देख रहे होंगे तो ये आप दोनों के तो उनके ब्लॉग देखने ही देखने हैं। अरे ग्रेट, आइए प्लीज प्लीज। बहुत सुंदर। अरे आपसे 2-3 मतलब आधा घंटे का करीबन समय चाहिए। अरे सर एकदम एकदम बंद कर दो, बड़ा जिस्सा लगता है अपनापन। ये भी आ रहा है। नहीं वो तो हमें पता है, एडिट क्या क्या कर दोगे। नहीं ये तो हम कतई एडिट नहीं करेंगे। बैठिए प्लीज प्लीज। सो दिस इज हाउ हमारा मतलब ऑल सेट ऑल पैक। अभी जब मैं ये क्लोजिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनफैक्ट ओपनिंग भी आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9 तारीख रात के लगभग 12 बज चुके हैं।
सो आप समझ सकते हैं कि कितना काम हो जाता है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सो जाओ उठो फिर करते जाओ। तो बस इसी प्रकार से हमारा दिन शुरू होता है और शाम ढलने के बाद रात का अंत होता है, मतलब रात्रि विश्राम होता है। एनीवेज बस इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे ब्लॉग्स लाते रहें, आज से कोशिश करेंगे कि डेली रूटीन ब्लॉग्स आपको हम पोस्ट करते रहें, हम जो भी कर रहे हैं उससे आपको अपडेट कराएं। जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ, इसी प्रकार हमारा प्रोत्साहन मतलब हमें प्रोत्साहन देते रहिएगा, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये एनुअल ओवरलैंडिंग मीट जो होने वाली है 2022-23 ये कैसी है, मतलब कैसी आपको लग रही है, जो आने वाले सीरीज में आपको देखने को मिलने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, बहुत जल्द आपसे अगले व्लॉग में होगी मुलाकात। नमस्कार।